वो क्या पूरे साल सेम हमने बता दिया वो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, अभी कंपटीशन है मुझे दूसरा ट्रेनिंग करना है। मैंने ही बोल दिया कि सर ये ट्रेनिंग से तो काम नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ दूसरा ट्रेनिंग करना है क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को रिक्वायर करी है, तो मैं इनडिसिप्लिन हूँ। किसी एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। जो एक लड़की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले एक महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? और मुझे याद आ रहा विनेश वहां पर भी कुछ हुआ था क्योंकि वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया, 10 दिन पहले कंपटीशन से उसका वेट देखा गया है, वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ इस चीज को लेके? मैंने उस कोच को क्लियर बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, शायद मेरे बारे में भी कुछ फेडरेशन में गलत चीजें गई, मैं इनडिसिप्लिन। जो चीफ कोच है जितेंद्र जी अभी जो है नेशनल में, मैंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे, उसके बाद भी वही चीफ कोच बनाए गए हैं। अच्छा विनेश ये बोल रही है, चलो देखते इसकी भी कोई सुनता ही नहीं, जो मर्जी फेडरेशन होती है वही चलती है, खिलाड़ियों को भी वो मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इनडिसिप्लिन। और रही बात कैंप की ना, लखनऊ कैंप सबने बोल दिया कि बहुत दूर है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता, अर्जेंट आना पड़ेगा तो या तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में या बाथरूम के साथ बैठ के आओ, जिसके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट फ्लाइट टिकट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लखनऊ कैंप क्यों है? सोनीपत लाया जाता है, कोई पास नहीं लगा, नहीं बोल रहे सोनीपत लगाओ, नहीं सोनीपत में क्यों नहीं लगाते, हमारी राजधानी के इर्द-गिर्द लगाओ, सोनीपत में फ्लाई करना हो तो इजीली कर सकते। जो मेंस जो टीम है उसके साथ में क्यों नहीं लगाते हैं कि ये आस की लड़ाएंगे? क्या सपोर्ट पर्सन आस की लड़ाने के लिए कैंप में जा रहे हैं? अब तक उन्होंने वो क्या करते हैं, वो खुद का अपना बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम आज के लड़ाएंगे। हम अगर मेंस को कैंप के साथ में है, बजरंग मेरे से इतना सीनियर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, लड़कों का रेसलिंग अलग है, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे ही, और क्योंकि कोचेज कितना फायदा हमें होगा। लेकिन जैसे कि बताया गया है कि नहीं है क्वालिफाइड कोचेज नहीं है, ये इतना जानता है, कुछ सीखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि भालगढ़ी लगाओ, कहने का मतलब है राजधानी के नजदीक लगाओ कि आने जाने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि सब लड़कियां मीडिया के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे।